ये भी अच्छा लग रहा है यार। शुक्र है कि इन लोगों के रोने धोने खत्म हुआ। हर कोई इस घर में उदास बुलबुल बना फिर रहा था। इन लोगों को जो देख देख के मेरा दिल घबरा रहा था। क्या टाइम हो रहा है यार? नुमान के आने का टाइम हो गया, उससे बोला था कि तुम रेडी रहना। कैसे तैयार हो जाती? बेचारी मेरी बच्ची मलिया नौकरी की तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रही होगी। सुबह से निकलती है भूखी प्यासी और सारा दिन लगा देती है। या अल्लाह, बस अब हमारे घर पे भी नजरें करम करते मेरे अल्लाह, खत्म करते हमारे इम्तिहानों को और मेरी बच्चियों का नसीब खोल दे मेरे अल्लाह। बस मेरी बच्चियों का नसीब बहुत अच्छा कर दे अल्लाह। फहद, मैंने कहा भी था मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोग किसी की सुनते ही नहीं हो। अब सुबह से तुम मेरे साथ बिला वजह खुआर हो रहे हो। देखो मलिया, अब चाहे खुशी हो या ख्वारी हो, हर चीज में तुम्हारे साथ ही होना है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फहद, तुम प्लीज दुआ करो ना, मुझे ये जॉब मिल जाए। नहीं मलिया, मैं तुम्हारी किसी बेवकूफी के लिए दुआ नहीं करूंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही इस बात की कि दो जॉब्स करना कितना मुश्किल है यार। आसान काम नहीं है ये। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, तुम तो मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और ये मसले का हल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे अपनी पूरी तनख्वाह दे दोगी, उसके बाद वो मेहनत की कदर करने लगेगा? तो उसको इसके अलावा हमसे और चाहिए भी क्या? वो जिस तरह का इंसान है ना, उसका इससे पेट नहीं भरने वाला। तुम आज उसके लिए ये करोगी ना, कल को उसकी देखना डिमांड इससे ज्यादा बढ़ जाएंगी। फहद, तुम ही बताओ हम लोग क्या करें। मेरे और अम्मी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्यों नहीं कोई और चारा? भाई मेहनाज उसकी बीवी है, उसको उसको समझाना चाहिए। वो ही उसको ठीक कर सकती है, और कोई नहीं। मैं ये मेरी बात मान लो। बीवी, बगैर किसी कसूर के उसने आप ही का ये हशर किया। सोचो अगर आप ही उसे समझाएंगी तो वो उनका क्या हाल करेगा। असगर जैसे इंसान को समझाना मतलब कुत्ते की दुम को सीधा करना है। तुम बस समझ लो कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। है एक रास्ता। मैंने तुम्हें बताया कि मुझसे पैसे ले लो। आइंदा तुमने ये बात की ना तो मैं तुमसे सच में नाराज हो जाऊंगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां किसी और के कंधे पे डाल दूं? या मैं तुम्हारा अपना नहीं? बात वो नहीं है फाहद, समझने की कोशिश करो। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है, अम्मी परेशान हो रही है। अच्छा रुको तो सही, वो पैसे तो दें। सारा क्यों यहाँ बैठे हो, कहीं चलते हैं? किंसा मेरा मूड नहीं है। शुक्र है नुमान तुम भी नजर आए। आओ बैठो हमारे साथ, तुम भी कोई बात कर लो। सारा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। बाहर निकला करो, खुली फिजा में बैठा करो। यही तो मैं इसको कह रही थी कि आओ कहीं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाने चले। हाँ गुड आइडिया, तुम्हें जाना चाहिए इसके साथ बाहर, घूमोगे फिरोगे, तुम्हारी तबीयत अच्छी लगेगी। बस चलो फिर अभी चलते हैं। किंजा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं जाना। क्या मतलब है मूड नहीं है,
इतनी मुश्किल से तो नुमान माने। चलो अभी चल रहे, नुमान गाड़ी निकालो। क्या मैं लेकिन फायजा के साथ मुझे कहीं बाहर जाना है, वो मेरा वेट कर रही है यार। तो फायजा के साथ जाना है, हमें आइसक्रीम खाने में कितनी देर लग जाएगी? इतनी मुश्किल से तो जारा मानी है, और वैसे भी इसका ख्याल रखना अकेली मेरा फर्ज नहीं है। चलो चले, उठो चले। चलो अरे वाह छोटी बीबी, आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छी लग रही हो ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। वो छोटी बीबी, आपने कहा था ना कि आप मेरी बेटी के लिए कपड़े निकालेंगे, तो अरे हाँ वो मैंने कपड़े निकाले थे ना, निकाल के स्टोर में रख दिए, तुम ले लेना वहाँ से, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम जाओ, जल्दी से नुमान आने ही वाला होगा। लेकिन छोटे साहब तो काफी देर हो गई आ गए, किंजा बीबी और जारा बीबी के साथ लॉन में बैठे बातें कर रहे हैं। कब आए? काफी देर हो गई उनको आए हुए। ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जारा मैं पहले ही बता रही हूँ कि तुम गाड़ी में आगे बैठोगी, क्योंकि मुझे जैन की कॉल आनी है, मैंने उससे बातें करनी है। गाड़ी चलाते वक्त नुमान इतनी बातें करता है, इसके होते हुए कोई दूसरा बंदा बात नहीं कर सकता। भाई सिंपल, मुझे गाड़ी चलाते हुए कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने, वरना उससे गाड़ी नहीं चलती है। तो जारा देगी ना तुम्हारे साथ? जारा तैयार हो मेरे साथ देने के लिए? वो तो साथ दे देगी, कहीं तुम ना पीछे हट जाना। क्या हाँ भाई, हम तो पीछे हटने वालों से नहीं है। चले जल्दी से बैठ जाए, आ जाए। बिला वजह तुम इतना तैयार होकर आई? नुमान को तो जिसके साथ जाना था वो चला गया। अब तुम ऐसा करो कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो इस घर से, क्योंकि तुम्हारे निकलने के दिन करीब आ गए, समझी तुम? ये खुशफहमी है मामा आप कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही। नुमान को और इस घर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बुझने से पहले चराग ऐसे ही फड़फड़ाता है, मगर नसीब में उसके बुझने ही लिखा है। Thank you.
साहब, क्या पूरा मॉल खरीदोगी तुम? क्या बात है, अभी तो आए, अभी से तंग करना शुरू कर दिए। अभी आए हैं? एक घंटे से शॉपिंग कर रही हो यार, कम ऑन। तो ऐसे ही शॉपिंग की जाती है ना, आराम से एंजॉय करके क्या चाहते हो तुम? That is not fair यार। कहाँ पैसे छुपाए? अच्छा किंजा, तुमने कहा था कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ शॉपिंग पे ले आई मुझे। तुम मुझे पहले बता देती। फाइजा मेरा वेट कर रही होगी, उसे भी मैं साथ लेकर आ जाता यार। देखो हम लोग आए तो आइसक्रीम खाने थे, फिर मैंने सोचा क्यों ना जारा को अच्छे से शॉपिंग करा दी जाए। इसकी खुशी के लिए हम आए थे ना, यही मिशन था ना हमारा। और रही बात फाइजा की, तो जनाब उनके बहुत नखरे, वो कभी भी हमारे साथ ना आती, खास तौर पर जारा के साथ। क्यों, जारा के साथ क्या मसले हैं? क्या उसकी लड़ाई है इससे? लड़ाई तो नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे और जारा के पास के रिलेशनशिप की वजह से हमेशा जारा के सामने इनसिक्योर ही रहती है। कम ऑन किंजा, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त तुम उसकी इंसल्ट करते रहती हो। तुम भूल गई हो शायद, वो तुम्हारी भाभी है। नुमान, बहू और भाभियां वो होती हैं जिन्हें घर वाले बड़े प्यार से और मान से ब्याह कर लाते हैं। जिन्हें जबरदस्ती सर पे मुसल्लत किया जाता है वो भाभियां नहीं होती। और अगर तुम्हें फायजा की इतनी फिक्र हो रही है तो प्लीज यू कैन गो, मैं और जारा ड्राइवर को कॉल कर लेंगे। चलो जारा। फायजा, फायजा यार तुम कितनी सुस्त हो। इतनी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था तैयार होने के लिए और तुम अभी तक क्यों बैठी हुई हो? कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारे दिल में। एक ही बात सबसे करके तुम तंग नहीं हो जाते? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम जारा से भी यही बातें कर रहे थे, इजहारे मोहब्बत कर रहे थे ना उससे। अरे भागल लड़की, मैंने ऐसा कब कहा उससे? और मेरी ये मजाल कि मैं ये बातें तुम्हारे अलावा किसी और से करूंगा? नुमान झूठ तो मत बोलो कम से कम। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम जारा से क्या बात कर रहे थे, दांत निभाने की वादे कर रहे थे ना उसके साथ। हाँ? अच्छा वो तो मैं उससे मजाक कर रहा था यार। चलो मान भी लेते हैं तुम उससे मजाक कर रहे थे, कि नुमान हमारा क्या, हमने प्लान बनाया था ना साथ बाहर जाने का, और तुम मुझे छोड़ के उन लोगों को ले गए। हाँ यार मुझसे गलती तो हो गई थी, लेकिन कसम से मुझे कुछ नहीं पता था कि उनका प्लान इतना लंबा हो जाएगा। फायजा सॉरी, कम ऑन यार, सॉरी बोल तो रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा मैं बाहर वेट कर रहा हूं, तुम तैयार हो? तुम्हारे साथ ना मुझे कहीं नहीं जाओ, तुम जाओ ना अपनी उस जारा को अपने साथ लेकर।
सब बिल्कुल ठीक है, सारे मर्द एक जैसे हो, बेवफा। क्या हो गया है फायजा तुम्हें? इतनी सी बात को लेके तुम इतना सेंटी क्यों हो रही हो? तुमान ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है ये। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आंटी और किंजा जारा को पसंद करती और तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, मुझे तो इस घर से निकालना चाहती है वो। तुम भी उनके साथ मिल गए हो, तुम भी वही कर रहे हो जो वो लोग चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कब से फजूल बोली जा रही हो, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। कसम खा रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बस कर दो, बार बार झूठ मत बोलो। मैंने खुद सुना है तुम किस तरह उससे वादे कर रहे थे, किस तरह अपनी इजहारे मोहब्बत कर रहे थे उसके सामने। मर्द होते ही बेवफा है, पहले मोहब्बत का इजहार करते उसके बाद मुकर जाते, सब बेवफा होते हो। तुम कहाँ जा रही हो? गेस्ट रूम में, और मैं तब तक वहां रहूंगी जब तक तुम इस बात का फैसला नहीं कर ले कि इस घर में मैं रहूंगी या जारा। क्या हो गया इस बार लड़की को यार? बेटा सो रही थी तुम क्या? मैं काफी देर से तुम्हें आवाजें दे रही थी, तुमने सुना ही नहीं। क्यों, कोई काम था आपको? मैं नहीं नहीं, बस तुम्हारी तबीयत पूछनी थी। आओ बैठो। आती नहीं हो तुम मेरे पास, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए मेरे पास आके बैठ जाओ। इधर दिखाओ, दवाई लगाई थी इस पे? लगाई थी। मैंने कितना कहा था बेटा तुम्हें कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम मानी नहीं। क्योंकि कोई फायदा नहीं है अम्मी, ये निशाना तब रोज पड़ना है और आपके पास इतने पैसे नहीं कि मुझे रोज डॉक्टर के पास लेके जा सके, इसलिए बेहतर होगा कि हम सब इसकी आदत बना लें। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। यही हकीकत है अम्मी, मेरे साथ अब रोज ऐसे ही होगा। बस आप मेरे मजबूत होने के लिए दुआ कीजिए। कैसा जालिम शख्स है ये असगर, क्या असर कर दिया इसने तुम्हारा? इससे तो बेहतर था तुम शादी के बगैर ही रह जाती। असगर तो गैर है, तेरे तो अपने ही मुझे मार के। नहीं मैनाज, अपना दिल हमारी तरफ से बदगुमान मत करो। मलिया की नियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी नियत में कोई। प्लीज मुझसे सिर्फ अपनी बात कीजिए। आप वैसे भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिनके नसीब में किसी रिश्ते का सुख नहीं लिखा होता, बस आप समझे कि आपकी बेटी उनमें से एक ही है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी नहीं है, फजूल बातें मत सोचा करो तुम। चलो चल के खाना खा लो, कुछ भी नहीं खाती हो तुम, देखो जरा कितनी कमजोर हो गई हो। उसी का इंतजाम करने गई थी। क्या मतलब? बाप पे कभी खाने का बोझ नहीं बनूंगी, अपने घर का खाना खुद बनाया करूंगी। नहीं बेटा, ऐसे इस तरह
पराया तो नहीं करो कि अब तुम हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहती? पराया करने की पहल तो पहले आप लोगों ने की अम्मी, से सब कुछ सच छुपाकर। तब से मैं भी आप लोगों के लिए पराया। यही कहना है। चलते मामा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैंने खुद आवाजें सुनी हैं। इतनी बुरी तरह वो नौमान से लड़ रही थी कि कोई हद नहीं। आखिर मैं अपना मूड खराब करके जाके गेस्ट रूम में चली गई और नौमान अपने कमरे में। ये तो बहुत अच्छा हुआ मामा, आग तो लग गई है, अब बस तेल डालना बाकी। बस तो तुम जारा के दिल में नौमान की दबी हुई मोहब्बत की चिंगारी को हवा दो ताकि हमारा काम आसान हो। मुझे हर हाल में जारा को नुमान की जिंदगी में लाना है। अगर उसकी कहीं बाहर शादी हो गई तो हमारा जॉइंट बिजनेस भी बाहर चला जाएगा। आप फिक्र ही ना करें मामा, आप बस देखें अब मैं करती क्या। बस बस फहद, मुझे यहीं उतार दो। क्यों मलिया? यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी ना। अरे क्यों? तुम्हें देर हो रही होगी ना, तो तुम चले जाओ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। मलिया, मुझे बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। फहद, मैं नहीं चाहती तुम मुझे घर छोड़ो। अगर असगर ने देख लिया तो बिला वजह हंगामा खड़ा कर देगा। मलिया मेरी बात, ना मैं असगर से डरता हूँ ना तुम्हें उससे डरने की जरूरत है, समझी तुम? मैं असगर से नहीं डरती फहद, बस मुझे अपनी बहन का ख्याल आ जाता है। देखो जो भी, मैं तुम्हें घर छोड़, और वैसे भी बहुत दिन हो गए मैं आंटी से नहीं मिला, तो उनसे भी मिलूँ, समझ आए? बेटा, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। आई नहीं इतने दिनों से, सब करियत थी ना? जी आंटी, सब ठीक था, बस थोड़ा बिजी था। आप सुने, आप कैसी? मेरा क्या है बेटा, ठीक ही हूँ मैं बस। हाँ भाई, ये तुम दोनों हीरो हीरोइन बनके मेरे मोहल्ले में क्या फिल्म बना रहे हो? हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ आंटी, चुप रहो तुम। और तुम, तुम्हारी मोटी अकल में बात नहीं आई? मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे घर में कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, और तुम इस आवारा लड़के के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर मेरे घर आई हो। बस करो असगर, जिसे तुम आवारा कह रहे हो ना, वो तुमसे ज्यादा शरीफ और गैरतमंद है। कम से कम औरत की इज्जत तो करता है,
औरत पे तशद्दुद तो नहीं करता ना? नहीं आंटी, ये बात नहीं करो। गलत बात की तरफदारी कर रही हो तुम, गलत बात की। और तू मुन्ना, चल, चलता हुआ नजर आ यहां से। मैं अपने घर में गैर मर्दों को बर्दाश्त नहीं करता, चल। ये मुन्ना मुन्ना किसको कह रहा है? मुन्ना तो तू खुद है, जिसके अपने हाथ पांव नहीं चलते और बिस्तर पर लेटे लेटे सब चीजें मांगता रहता है। ओए, अपने आशिक से कहे कि शराफत से यहां से चला जाए, वरना जाया हो जाएगा ये मेरे हाथ से। धमकियां किसको दे रहा था? ये मलिया है, मैं नाज़नी, जिसे तू मार कूट के चुप करवा लेगा। असगर अपने हाथ में है, जिसे तुम गैर कह रहे हो ना, ये मेरा होने वाला दामाद है। अच्छा, तो ये दामाद है तुम्हारा? हाँ, शाबाश, देख लूंगा तुम्हारे दामाद को। बंद करिए सफाई के नाटक, अच्छी तरह जानता हूं कितनी सफाई पसंद हो तुम लोग। पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर गंद मचा कर नेक परवीन बन गए तुम माँ बेटी हैं। अब क्या हुआ आपकी इज्जत को? क्यों गुस्सा आया हुआ आपको? वही हुआ जो होता है, तेरी माँ ने वही किया जो तेरी माँ करती है, अपनी मनमानी, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। उस फहद से रिश्ता करिए जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया। और किसका रिश्ता करिए पता है? तेरी बहन मलिया का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई हो। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है। तेरी माँ ने फाद का तारुफ करवाया मुझसे अपने दामाद की हैसियत से। हाँ, तुझे क्यों सांप सूंघ गया फाद की शादी का सुनकर? कान खोलकर सुन ले, इस शादी में शिरकत करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ये फाज जैसे आवारा लोगों से राबता रखने की भी कोई जरूरत नहीं। सुन लिया ना? वाह खाला वाह, क्या बात है, कसम से क्या बात है।
तुमने तो कहा था कि वो दोनों औरतें बहुत ही सीधी हैं, अल्लाह मियाँ की गायें, लेकिन वो तो शेरनिया है शेरनिया, और ऊपर से महनाज, इसने जिंदगी अजाब की हुई है, कह रही है कि मैं काम करूं। अरे तो फिर क्या हो गया, कह रही है काम पे जाओ, काम करना तो वैसे भी मर्द की शान है, घर बैठ के क्या करेगा। बस बस उसकी ज्यादा हिमायत मत करो, तुम्हें पता है ना कि आंटी ने मेरे साथ क्या किया है। क्या क्या किया कुलसुम ने बता। अबे उस 2% के लड़के फहद को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया, कह रही है कि मलिया की शादी इसी हफ्ते में उसके साथ करेंगी। क्या ये कुलसुम ने बोला? हाँ। ये क्या कह रहे हो उसकर भाई? माँ क्या मुसीबत है, एक तो कुलसुम खाला और उनकी बेटियां मेरे सर पर ना अजाब बनकर बैठ गई है। लल्ला करके उस महनाज की जान छुड़ाई थी फहद से, अब ये मलिहा उसके गले को आ गई। एक मिनट, ये फहद की शादी पे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अरे क्या बताऊं, अब तुझे पसंद करती है ना फहद को ये। ओ बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। अबे तुम्हें कोई और नहीं मिला था पसंद करने को, उस पप्पू को पसंद किया तुमने है? हाँ हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतने पापड़ बेलकर एवी महनाज से तुम्हारी शादी करवा दी है? अबे तो पूरी दुनिया में तुझे और कोई लड़का नहीं मिला जो ये टटपुंजिया पसंद आ गया तुझे है पप्पू? टटपुंजिया नहीं है वो, यजदानी का बेटा है। अबे कौन यजदानी है? कौन यजदानी? वो यजदानी ग्रुप वाले। वो यजदानी इकलौता बेटा है फहद उनका। क्या 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 बकवास कर रही है, उनका बेटा है तो फिर इस गंदी बस्ती में क्या कर रहा है वो है? बताती हूँ सब बताती हूँ। अबे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने, मैं तो उससे पंगा लेकर बैठ गया हूं, लड़के बैठ गया, अब मैं क्या करूंगा? अब सब्र करो यार, सोचने दो मुझे। सोचो असगर भाई, इसमें हम दोनों का फायदा है। क्या बच्चों वाली हरकत है, क्यों यहां खड़ी हो? चलो कमरे में चलो। मैं तब तक कमरे में नहीं जाऊंगी जब तक तुम कोई फैसला नहीं कर लेते। कैसा फैसला? अनजान बनने की जरूरत नहीं है नुमान, मैं तुम्हें बता चुकी हूं। फायदा देखो, बिला वजह मैं अपने दिल पे शक पैदा नहीं करूं, वरना इससे लोगों को फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। देखो नुमान, अपने पीछे सारी कश्तियां जला कर आई हूं, मेरा कोई आसरा नहीं। अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मुझे ज़ारा अच्छी लगने लगी है। नुमान अपना चेहरा तो देखो, इतनी सी बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तोराम खान बन रही थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। उधर जाओ, मैं वाकई बता रही हूँ, और मैं मरूंगी ना तो तुम्हें साथ लेके मरूंगी, उस ज़ारा के लिए तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ, समझे? बड़ी जालिम बीवी हो वैसे तो। मैं इससे भी ज्यादा जानी हूं, अगर तुमने वादा नहीं निभाया ना तो। अच्छा अब चलो। अम्मी आप लोगों को असगर से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है मलिया, मैं वाकई तुम्हारा रिश्ता अब फहद से कर देना चाहती हूँ।
बस बहुत हो गया बेटा, अब तुम अपने घर जाओ ताकि ये रोज रोज का तमाशा जो है ना खत्म हो। नहीं नहीं अम्मी, आप क्या कह रही है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों नहीं सोच सकती, आखिर कब सोचोगी अपने बारे में, बोलो बेटा। अब कौन सी जिम्मेदारी रह गई है जिसे निभाने के लिए मैं तुम्हें घर बिठा के रखूं अपने पास। अम्मी मुझ पे आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं शादी कर लूंगी तो असगर को पैसे कौन देगा, और फिर आप खुद सोचें कि वो आपी का क्या हश्र करेगा। नहीं मलिया, बस बहुत हो गया, बहुत कुर्बानियां दे दी तुमने, और वैसे भी महनाज ने साफ कह दिया है वो अब घर का खर्चा असगर से ही लेगी। उसने कहा है कि अब उसे शर्म आती हमसे लेते। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज प्लीज आप ही को पता नहीं चलना चाहिए कि हम असगर को अपनी तनख्वाह देते हैं, वरना वो और भी टूट जाएंगी, समझ रही हैं ना आप।